time to quit while we're ahead. Don't think like that. I will love you endlessly. If you don't leave, believe. Don't you be like that. I will love you forever. If you don't leave, believe in me, yeah. You could be with anyone. I could be with anyone. You're you and me. सो हेलो एवरीवन, दिस इज मीशा, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन कस्टम मेनिया। सो गाइस, आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं कैनन के एयर फिल्टर को। तो आज की इस वीडियो में आप सबके साथ मैं शेयर करूंगा कि क्या इस फिल्टर को लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, इससे आपकी पावर कितनी बढ़ती है, आपके एवरेज में कितना इफेक्ट पड़ता है, और साथ ही आपकी जो साउंड है बाइक की वो कितनी चेंज होती है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं है, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करी जाए इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस की, तो आप जानते हैं कि मैंने इसे अपनी बाइक में इंस्टॉल कराया है जो कि होने वाली है TVS Sport, और आप जानते हैं कि TVS Sport 100cc बाइक है तो उसमें ज़्यादा स्पेस नहीं मिलती अंदर, और उसके इंजन की जो स्पेसिफिकेशंस है बहुत लिमिटेड है, तो इसलिए मैंने फ्री फ्लो एयर फिल्टर लगाना सही समझा उसके लिए। तो मैं आपको बता दूँ कहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो जैसे कि आप देख सकते हो मैं आपको एक वीडियो भी अटैच करके दिखा दूँगा, आपको यहाँ पे एक स्पेस मिलती है जिसमें इसका ओरिजिनल फिल्टर लगता है, तो आप उसे वहाँ से हटा के या फिर उस बॉक्स के अंदर भी इसे इंस्टॉल कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे सीधे कार्बोरेटर से कनेक्ट कर दिया क्योंकि कार्बोरेटर के पास मुझे ज़्यादा सही लग रहा था और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने इसे सीधे डायरेक्ट कार्बोरेटर से कनेक्ट कर दिया है। अगर आप बाइक में इंस्टॉल करना चाहें तो आप कार्बोरेटर या फिर बॉक्स के अंदर कर सकते हैं, साथ ही अगर आप स्कूटी में करना चाहें तो स्कूटी में भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हर स्कूटी बाइक के लिए कंफर्टेबल है, आपको थोड़े बहुत अल्टरनेशंस करने पड़ेंगे इसको इंस्टॉल करने के लिए, ज़्यादा अल्टरनेशंस की ज़रूरत नहीं है, थोड़े बहुत में आपके अच्छे से इंस्टॉल हो जाएगा। तो दोस्तों आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि एयर फिल्टर की एक साल की लाइफ नहीं होती है, तो हाँ बिल्कुल, एयर फिल्टर की लगभग 6 महीने से ज़्यादा की लाइफ नहीं मानता हूँ मैं, और अगर आप उसको यूज़ करना चाहते हैं ज़्यादा तो आपको उसको टाइम टू टाइम क्लीन कराना पड़ता है, और अगर आप क्लीन नहीं कराते हैं तो उसमें बहुत सारी डस्ट इकट्ठा हो जाती है और आगे जाके वो ख़राब हो जाता है। तो गाइज़ ये वाला एयर फिल्टर जो है ये दूसरा एयर फिल्टर है, इससे पहले वाला मैंने हटा दिया था क्योंकि उसके अंदर बहुत डस्ट जमा हो गई थी और उसको मैंने टाइम टू टाइम क्लीन नहीं करा था, इसकी वजह से मुझे वो चेंज करना पड़ा। तो मैंने उसके बाद इसे तुरंत इसी को लगा दिया था और ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है अभी तक, बट अब जो है ये थोड़ा बहुत पुराना हो गया है, इसको भी लगभग 4-5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं और इसके जो पोर्स हैं वो भी डस्ट से भर चुके हैं, तो अब इसको भी चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों अब बात करी जाए इसकी पिकअप यानी कितनी पावर हमें डिलीवर करता है, इसको लगाने के बाद हमें कितना फ़र्क मिलता है। तो मैं आपको बता दूं, जब मैंने इसे अपनी बाइक में इंस्टॉल करा था पहले तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि पावर एकदम से बड़ी थी, क्योंकि इसका नाम ही फ्री फ्लो है, तो फ्री फ्लो का मतलब यही होता है कि आपकी जो नॉर्मल एयर फिल्टर होता है उससे ज़्यादा ये एयर इंजन में प्रोवाइड कराता है, जिसकी वजह से कंबशन अच्छा होता है और आपकी जो पावर होती है वो ज़्यादा डिलीवर होती है, आपकी व्हीकल से ज़्यादा निकलती है। तो ये पावर के मामले में ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसको अगर आप थोड़ा बहुत ही अपनी कार्बोरेटर की सेटिंग करेंगे तब भी आपको इतनी पावर डिलीवर हो जाएगी। तो दोस्तों बात करी जाए एवरेज की, तो एवरेज में कितना फ़र्क पड़ता है, तो ये डिपेंड करता है बाइक और स्कूटी, कौन सी आपके पास बाइक है, कौन सी स्कूटी में। तो मेरे पास जो है वो TVS Sport है जिसका जो इंजन है वो 100cc का इंजन है और कंपनी क्लेम करती है कि वो 85 या 95 kmpl तक जाती है, बट मेरे हिसाब से, मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरी मैक्सिमम 70 तक गई है। तो जब मैंने इसे इंस्टॉल करा था यानी कि आज से एक साल पहले, तो उसका एवरेज उस टाइम पे 65 करीबन चलता था। जब मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया उसके बाद जब मैंने इसका एवरेज चेक करा तो मुझे ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत फ़र्क मिला जो कि होने वाला हमारे 5 किलोमीटर जो इसमें हमारे डाउन हुए थे यानी कि 60 kmpl पे आ गई थी, तो मेरे ख्याल से वो उतना बुरा नहीं है क्योंकि जब आपको पावर ज़्यादा मिल रही है और साउंड भी काफ़ी अच्छी मिल रही है तो इतना तो चलता है। तो इसका प्राइस डिफरेंट व्हीकल्स के लिए डिफरेंट ही रहने वाला है क्योंकि जैसे कि जो 100cc बाइक है उसके लिए अलग होगा, स्कूटीज के लिए भी अलग होगा, और जो आपकी मोर देन 200cc या फिर मोर देन 100cc बाइक है उसका भी प्राइस इसमें अलग मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात करी जाए इसकी साउंड कितनी चेंज होती है, तो मैं वीडियो के एंड में एक क्लिप लगा दूंगा जिसमें मैं आपको इसकी साउंड चेक करा दूंगा। तो वैसे इसकी बात बोली जाए कितनी इसमें साउंड में डिफरेंस मिलता है, तो अगर आपके पास सिंपल बाइक है जिसमें कंपनी फिटेड एग्जॉस्ट लगा है विदाउट एनी चेंज, आपने बिल्कुल स्टॉक रखी है गाड़ी और आप इसको लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क लगेगा चलाने में भी,
और जो अगर आप थोड़ा सा भी उसमें एग्जॉस्ट चेंज कराया तो उतना आपको फर्क नहीं मिलेगा। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बुलेट का, अगर आप बुलेट में इसको इंस्टॉल करेंगे तो वैसे ही उसकी साउंड बुलेट की लाउड होती है, उतना आपको फर्क नहीं मिलेगा। पर जिसके जो स्टॉक साइलेंसर हैं उसमें आप लगाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फील आएगा इसको चलाने में। तो इसकी साउंड की अगर मैं थोड़ी सी बात करूँ तो आपको उसका हल्का सा फील आएगा CVR जैसा, तो होंडा की CVR आती है वैसी इसकी साउंड हल्की सी लगेगी आपको। तो मैं वीडियो के एंड में वो क्लिप भी जोड़ दूंगा जिसको आप देख के समझ पाएंगे कि इसकी कैसी साउंड आने वाली है, और आप उस क्लिप को ज़रूर देखिए, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कितनी ये लाउड है और कितना इसमें आपको फ़र्क मिलेगा साउंड में। तो गाइज अब बात की जाए इसे लगाना सेफ है या नहीं है, तो अब बाइक का मैं अभी तक यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई है और अभी तक बढ़िया चल रहा है, एवरेज के मामले में भी ठीक है, साउंड भी अच्छी आती है। बस कभी कभी थोड़ा सा पावर ऑफ लैग लगता है जब इसकी डस्ट बहुत जमा हो जाती है तो एकदम इंजन जो है पिकअप अच्छा नहीं ले पाता। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज जो मुझे लगता है इसको यूज़ करने में, बाकी अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, वर्क बिल्कुल बढ़िया है, साउंड भी बहुत अच्छी देता है, और एक तरीके से अगर आप इसे बाइक के थोड़ा सा बाहर की साइड लगाएं तो एक काफ़ी अच्छा लुक दे देता है, ऐसा लगता है कुछ अलग सा आपने चीज़ इंस्टॉल करी है। और आपको इसके साथ दो तीन चीज़ें और मिलेंगी जैसे कि इसके क्लैंप्स हो गए, सब कुछ इसको इंस्टॉल करने का सब आपको सामान मिलेगा। तो दोस्तों अब बात करी जाए जो इसका सबसे मेन पार्ट है वो है इसकी प्राइसिंग का, तो कितने का हमें मिलता है और ये कहाँ मिल सकता है, तो मैं आपको बता दूँ ये आपको सारे लगभग ऑनलाइन स्टोर्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका बेस्ट बाय लिंक डाल दूँगा। तो K&N का जो ओरिजिनल फिल्टर है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही जो फ्री फ्लो है यानी कि ओरिजिनल नहीं है K&N की, जस्ट एक रेप्लिका है और वर्क बिल्कुल वैसे ही रहता है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो ओरिजिनल K&N का फिल्टर है वो आपका 1200 से लेके 5000 के बीच में आता है। तो भाई आपने यहाँ तक वीडियो देख ली और आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर थोड़ी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, मैं ऐसी कंटेंट आप सभी के लिए हर हफ्ते लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग, कस्टम मेनिया शाइनिंग ऑफ।